हेलो गाइस आज हम बात करने वाला है एक ऐसे स्टॉक के बारे में आप लोगों को इस वीडियो बताने वाला हूं जो एल एमिन से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से भागने वाला है और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका है तो आप लोगों को इसमें बाइंग करनी है तो वो कैसे करनी है वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ और कंपनी कैसी है इसका फंडामेंटल कैसा है वो भी आप लोग को बताऊँगा तो ये वीडियो इतना तो देखते रहो आप लोग को हंड्रेड एंड टाइम्स वीडियो चलेगा और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कंपनी को आप लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हो बाई करते हो तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है तो वो सारे के सारे पैरामीटर हम देखेंगे कंपनी कैसी है कंपनी का जो प्रोमोटर्स है वो कैसा रिएक्ट करते हैं तो वो सारी की सारी चीजें तो ये वीडियो तो देखते रहो आप लोग हंड्रेड एंड अच्छा लगेगा सबसे पहले कंपनी का नाम की बात करें तो बालाजी एमेंस करके ये कंपनी है और यहाँ पर कंपनी क्या काम करती है वो जानने के लिए यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं हम और उनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आप लोगों को टोटल देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये एमेंस बनाती है ये कंपनी उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये और भी सारी चीज़ें ये सारी की सारी चीज़ें बनाती है ये कंपनी जो यहाँ पर से केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है ठीक है और उसके साथ साथ ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है जिसमें आप लोगों को और भी बताऊंगा डिटेल्स में आप लोगों में थोड़ी बहुत चीज़ें जितना मेरे को पता है ना वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊँगा इस कंपनी के बारे में और फार्मर्स फार्मा के इक्विप मतलब इक्विपमेंट्स भी बनाती है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ उससे पहले यहाँ पर आप लोगों को ये जो दवाइयाँ है वो भी बनाती है ये कंपनी फार्मा की ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को देखो यहाँ पर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले एमिन्स की बात कर लेते हैं जो इसका मेन बिजनेस है तो यहाँ पर आप लोगों मैं केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं हूं तो अब मेरे को बहुत ज्यादा चीज़ें नहीं पता चलती है पर यहाँ पर से फंडामेंटल्स अच्छे लगे हैं इसलिए मैंने इस इस कंपनी के रेकमेंड कर रहा हूं इस कंपनी को तो यहाँ पर देखो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी जो आप लोग देख सकते हो इथेनॉल जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एमिनो इथेनॉल तो यहाँ पर ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बनाती है और उसके साथ साथ यहाँ पर आ, सारे के सारे स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर आप लोग देखोगे तो भी आप लोगों को सारे के सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे ये सारे के सारे स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर आ जाती है और फार्मा के अंदर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ये दो चीज़ें देखने को मिल जाती है पोली विनाइल जो भी ये ये है आप लोगों को देखने को मिल जाता है ठीक है तो इतनी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर चलते हैं यहाँ पर कंपनी के ऊपर हम आ चुके हैं और कंपनी ये आप लोगों को मैंने जो सारी की सारी चीज़ें जो इनकी प्रोडक्ट्स बताई मैन्युफैक्चरिंग तो वो सारी की सारी चीज़ें ना वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर बेची है तो इसका जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ये यूनिट है वो इंडिया के अंदर ही है और ये जो कंपनी है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी जो जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं कैसे तो आप लोगों को मैं दिखा दाऊँ देखो छः हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है शेयर की प्राइस की बात करें लो गया था 350 360 और उसके बाद यहाँ पर से हाई गया है 2050 ठीक है और उसके साथ साथ करंट वैल्यू की बात करें तो उन्नीस ये चल रही है उन्नीस के आसपास ये शेयर चल रही है स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं है मीडियम सा हाई है पर हाई तो है ठीक है तो चौंतीस का पी चल रहा है बुक वैल्यू से ये बहुत ज़्यादा ऊपर शेयर चल रहा है डिविडेंड uh, की बात करें डिविडेंड एकदम नेग्लिजिबल डिविडेंड है और उसके साथ साथ यहाँ पर से आर ओ बहुत ज़्यादा अच्छा है ठीक है एक कंपनी अच्छी कंपनी के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी के मुकाबले ठीक है पर यहाँ पर आर ओ अच्छे है ठीक है तो यहाँ पर से फेस वैल्यू की बात करें दो देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आप लोग कंपनी की बात करें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर डेट एकदम कम हो या डेट uh, फ्री हो ठीक है तो ये चीज़ याद रखना अभी स्टॉक में दिक्कतें क्या है क्या, क्या क्या दिक्कत है वो दिक्कत है ये है कि ये टाइम एट पॉइंट फोर टाइम्स ज़्यादा है उसकी बुक वैल्यू से उसके साथ साथ यहाँ पर से सेल्स ग्रोथ में पाँच पाँच मतलब पिछले पाँच साल में सेल्स ग्रोथ में इसमें एट पॉइंट सेवन एट परसेंट का पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है ठीक है कंपनी की यहाँ पर से पीएस में आती है तो आठवें नंबर पर कंपनी आती है और यहाँ पर आप लोगों को आ, आ, ये चीज़ आप लोगों को जो क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स होते हैं वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ तो क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करते हैं यहाँ पर तो मार्च क्वार्टर के अंदर मार्च क्वार्टर के अंदर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है तैंतीस करोड़ रुपये का उसके बाद मार्च uh, 2019 के अंदर देखने को मिल जाता है सत्ताईस करोड़ रुपए का प्रॉफिट uh, और नेट प्रॉफिट और यहाँ पर से 2020 के अंदर मार्च 2020 के अंदर बत्तीस करोड़ रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है मतलब कंपनी कंसिस्टेंस प्रॉफिट सेम टू सेम निकाल रही है पर यहाँ पर आप लोगों को देखो पिछले दो तीन क्वार्टर से यहाँ पर से डबल से डबल ग्रोथ देखने को मिल रही है इसी की वजह से यहाँ पर से शेयर में भी उछाल आया है ठीक है आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है अभी प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट में यहाँ पर से लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टाइम के लिए आप लोगों को इसका नेट प्रॉफ़िट दिखा दूँ तो यहाँ पर से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एकदम धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ रही है पिछले आ, देखो यहाँ पर से ये दो का डेटा है ये 2009 का डेटा है 2009 10 11 12 ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह उन्नीस मतलब टोटल दस सालों बीस सालों में सॉरी दस सालों में इसने डबल से ट्रिपल चौपल आ, गुना इसने अपना जो प्रॉफिट है इसको बढ़ाया है जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है तो यहाँ पर आप लोगों को आ, टोटल एट टाइम्स प्रॉफिट देखने को मिला है आ, गुना बढ़ा है इसके कंपनी के अंदर ठीक है सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ में इतना ज़्यादा सेल्स ग्रोथ यहाँ पर से बड़ा नहीं है पर इस क्वार्टर मतलब इस साल के आ, महीनों में मतलब इस साल में इसने अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है पर इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करें मतलब ये लोग मार्जिन बढ़ा रहे हैं कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है इसके अंदर ठीक है सेवेंटी इस क्वार्टर मतलब इस टाइम की बात करें तो सेवेंटी वन परसेंट का इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है और उसके साथ साथ यहाँ पर से सी की बात करें तो सी भी इसने बहुत ज़्यादा कंपनी ने अच्छी तरीके से मेनटेन किया है जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ठीक है रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी आ, अभी घटी है लास्ट वन ईयर में यहाँ पर लास्ट थ्री ईयर थ्री ईयर से फाइव ईयर टेन ईयर में बाईस से तेईस परसेंट के आसपास की, की थी ठीक है अभी बैलेंस शीट की बात करें बैलेंस शीट में आप लोगों को मेन चीज़ें देखनी होती है रिज़र्व्स और बोलइंग तो अभी कंपनी के पास रिज़र्वस सात पचास सात सौ चालीस करोड़ रुपए के रिजर्व्स है और यहाँ पर रिजर्व्स कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ा रही है और बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग कंपनी बहुत अच्छा अच्छी तरीके से घटा रही है ठीक है तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो कंपनी अपना जो शेयर थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा आ, बेचा है खरीदा है बेचा है खरीदा है ऐसा किया है देखो यहाँ पर से पहले थोड़ा बेचा बेचा और उसके बाद यहाँ पर से ख़रीदना चालू फिर से ख़रीद लिया दो तीन ज़ीरो पॉइंट टू परसेंट के आसपास का ठीक है तो ये चीज़ तो होती रहती है कोई बात नहीं है पर आप लोगों को ये चीज़ों को ध्यान में रखना है पर यहाँ पर दिक्कत क्या आता है पता है यहाँ पर पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में होल्डिंग है तो यहीं पर दिक्कत हो जाती है जब भी पब्लिक के पास दिक्कत होल्डिंग ज़्यादा होती है ना तो इसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि पब्लिक Uh, कभी कभी समझती नहीं है पैनिक हो जाती है तो कब uh, शेर है ना बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में शेर बहुत ज़्यादा गिरता है तो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है यहाँ पर कंपनी के चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो चार्ट पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिल जाता है बालाजी एम I और mean, यहाँ पर आप लोगों को वन डे में थ्री पॉइंट टू सेवन परसेंट का रिटर्न दिया है फाइव डेज़ की बात करें तो फाइव डेज में भी इतना ही ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है थ्री पॉइंट फोर परसेंट का आ, वन मंथ की बात करें पंद्रह परसेंट का रिटर्न दिया है सिक्स मंथ की बात की जाए तो एक सौ तैंतीस परसेंट का रिटर्न दिया है और वन ईयर में तो भाई कमाल ही कर दिया इस कंपनी ने आ, तीन सौ चालीस परसेंट का रिटर्न दिया है इस कंपनी और उसके साथ साथ फाइव ईयर की बात की तो का रिटर्न दिया है और यहां पर सब लोगों को मैक्सिमम बटन की बात की जाए तो 6000 हजार सात सौ पचास परसेंट का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने ठीक है तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखनी है तो यहाँ पर ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी जाके इसमें इन्वेस्ट कर लो आप लोगों को इस कंपनी को ट्रैक करना है जब भी ये मार्केट में गिरावट पर देखने को मिले तो आप लोग बाय कर लो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप लोगों के पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं इसमें इन्वेस्ट करने का इस कंपनी इस कंपनी में तो आप लोग क्या करो शॉर्ट टर्म के लिए खेलना है तो आप लोग खेल सकते हो अभी से बाय कर लो थोड़ी बहुत उछाल आता है तो आप लोग बेच सकते हो वरना थोड़ा बहुत गिरता है तो आप लोग फिर से बाय कर सकते हो ठीक है तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है तो आप लोगों को, को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो पसंद तो लाइक मारो चैनल पसंद सब्सक्राइब मारो ऐसे ही हमारा वीडियो कंटेंट देखना तो बस आज के लिए इतना ही गुड बाल गुड बाय फिर मैं तो नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय